हम सलाम कर रहे हैं अपने जाबाज सैनिकों को और तमाम उन वीरांगनाओं को जो हंसते हंसते देश की बलिवेदी पर अपने आप को होम कर देते हैं, जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा दिन रात तत्पर रहते हैं। आज उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और आज तेजस्विनी में हमारे साथ एक ऐसी ही वीरांगना मौजूद हैं जो देश की पहली एयर मार्शल बनी, महिला एयर मार्शल, हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। सेवा, शौर्य और पराक्रम में देश के वीर सपूतों के साथ वीरांगनाओं की भी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने ड्यूटी पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन न सिर्फ निष्ठा बल्कि अदम्य साहस से किया। ऐसी ही एक वीरांगना है पद्मा बंदोपाध्याय, देश की पहली महिला एयर मार्शल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज में पढ़ी डॉक्टर पद्मा ने 1968 में एयरफोर्स ज्वाइन किया। 1971 के युद्ध में विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। पद्मा के नाम कई फर्स्ट जुड़े हैं। पहली महिला एयर मार्शल के साथ वो एयर कॉमोडोर के पद पर पदोन्नत होने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का कोर्स पूरा करने वाली भी पहली महिला अधिकारी है। उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली वो पहली भारतीय महिला है। यही नहीं, पद्मा बंदोपाध्याय एरोस्पेस मेडिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला फेलो भी हैं। देश की पहली महिला एयर मार्शल और एविएशन मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय हैं हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत है पद्मा जी आपका। स्वागत के साथ हम तो आपको सलाम करते हैं। जिस प्रकार से आपने उस समय में इस एयरफोर्स की सर्विस में गई जब महिलाएं इसके बारे में कभी सोचती भी नहीं थी, ये बताइए कितने बरस हो गए जब आप एयरफोर्स में गई और आज इतना जो वक्त गुजर गया है तब भी क्या लगता है कि अंदर से फौजी हैं? ये मेरे वतन के लोगों, इसी गाने से ही मेरा पूरा लाइफस्टाइल बदला था। अच्छा। क्योंकि हम लोग यहीं दिल्ली में रहती थी, गोल मार्केट में, जैसे कि सब लोग सोचते हैं आईएएस बनेंगे, वही मैं भी सोचती थी जी। तो एक गाना हुआ जो बच्चों के साथ मैं खेलती थी, मैंने नेचुरली सभी बच्चे मिलके खेलते हैं, वो सब बच्चे 2-3 महीने के बाद गायब। अच्छा। And the 62 war was a massacre, आप लोग तो देखे नहीं होंगे, हमारे दोस्त या मैंने दोस्त की हस्बैंड समथिंग लाइक दैट, 50 घर में से ऑलमोस्ट 20 घर में तो मैंने यंग मेन वेर गायब, यू नो, दे वर ऑल फिनिश्ड। इट वाज अ वेरी बैड वॉर। तो उसको देखने के बाद मुझे मन में लगा मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। तभी तक मैं कुछ भी नहीं जानती थी, कॉलेज गई ऐसे वापस आई, कुछ समझ नहीं आता, बुक पढ़ा, पास किया, दैट्स इट, यू नो, फौज क्या है यह सब पता ही नहीं। हमारे 7 पीढ़ी में कोई फौज में नहीं था तो हमें कुछ पता ही नहीं। अच्छा। सो हम कभी फौज में थे ही नहीं, सो क्या समझाया, कुछ भी नहीं समझ आता था, आई डिडंट नो एनीथिंग। सो बट एक चीज समझाया, अभी मुझे फौज में ज्वाइन करना, पर करें कैसे ये तो मालूम नहीं। सब लोग हंसते थे, लड़की और फौज, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, दैट्स व्हाट इट वाज। एनीवे दैट वाज द ईयर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज स्टार्टेड इन द ईयर 1962, दैट इज द ईयर ऑफ चाइनीज वॉर। सो नेक्स्ट ईयर हमने इस कॉलेज में, आई मीन बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, कोई 15 लड़की 110 या सम लड़के, दैट्स अ कॉम्पिटिशन लेवल, ऑल इंडिया लेवल। अच्छा। तो हम भी उसमें पास करके वहाँ आए, उसके बाद ही फौजी जर्नी शुरू हुई है। वॉट इज अ फौजी, यू हैव टू बी देयर टू अंडरस्टैंड वॉट इज अ फौजी, अ पर्सन हु कैन गिव सैक्रीफाइस इज लाइफ फॉर द मदर लैंड, देयर कैन बी नो बेटर पर्सन इन द वर्ल्ड देन दैट जेंटलमैन। तो पद्मा जी, जब आप ये सोच रही थी कि मैं फौज में जाऊंगी और जब एक गाना आपकी जिंदगी को बदल रहा था, ए मेरे वतन के लोगों, उस वक्त आपके मन में तो ये चल ही रहा था कि मैं फौज में जाऊंगी, लेकिन घर वाले जो हैं उन्होंने क्या सपोर्ट किया या उन्होंने कहा कि नहीं नथिंग डूइंग? पहले मैं अपना शुरुआत की कहानी शुरू करती हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार थी टू स्टार्ट, तो हम स्कूल ही 5 क्लास में गए थे ना, लड़कियों को पढ़ाई वॉज नॉट वेरी ग्रेट ना, मीन इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आजकल बहुत डिफरेंट है, और अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो
बड़ा भाई जाता था, हम उसके बुक्स देखते थे, हम देखते वक्ते फिर भी हम पांच क्लास में ज्वाइन कर लिया। तो एट क्लास पास करने के बाद दिल्ली में, उन दिनों में दिल्ली बोर्ड में वो आर्ट्स और साइंस होता था, तो हमारे अम्मा ने बोला कहाँ जाना दूसरे स्कूल में जाके साइंस पढ़ने के लिए, बस पकड़ के जाना, नो वे, घर के सामने स्कूल है, उसमें जो पढ़ाई होता है वही पढ़ोगे, काम खत्म। तो वही पढ़ाई किया, डोमेस्टिक साइंस, पता नहीं ABCD किया, जो कुछ भी किया, पर उसमें साइंस का नाम ही नहीं था, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तमिल, संस्कृत, ऐसे ऐसे पढ़ाई किया था। पर जब पास किया बोला कि अंडर एज्ड है तुम, मेडिकल कॉलेज नहीं ज्वाइन, आई मीन कॉलेज नहीं ज्वाइन कर सकता, दो आई वॉज फर्स्ट इन आर्ट्स इन दिल्ली बोर्ड, बट नहीं जा सकती क्योंकि दिल्ली बोर्ड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन एज, यू नो। तो अब हम क्या करें, ठीक है, तो हमने बोला अच्छा मुझे प्री मेडिकल ज्वाइन करना। सब लोग हंसे, अरे साइंस से नहीं किया, प्री मेडिकल करने चले। बट आई ऑलवेज से एंड आई स्टिल से माई फादर हु इज़ नाउ 103, अच्छा, ही इज़ द वन हु वेंट अप एंड डाउन एवरी कॉलेज फोल्डिंग हिज हैंड्स, मेरे बेटे को प्लीज जगा दो, वो कर लेगी, कोशिश करेगी। बहुत लोग हंसे, मजाक उड़ाए, उसके करना तो पहले क्यों नहीं किया, नाइन्थ क्लास में क्यों नहीं किया, अभी क्या करना एंड ऑल दैट स्टफ। एनी वे द क्रोडिमल कॉलेज गेव मी अ चांस टू डू माई प्री मेडिकल। आई एम द फर्स्ट लेडी स्टूडेंट ऑफ दिल्ली बोर्ड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी हु हैज चेंज फ्रॉम आर्ट्स टू साइंस। साइंस से आर्ट्स आते हैं, आर्ट्स से साइंस कोई नहीं जाता। ऑफकोर्स दैट हेल्प of Crodimal College led me to become a doctor. So and my father was always my support till my marriage. Okay. He went up and down. ये Air Force में जब आप गईं, वो चुनाव आपने कैसे? जब हमने Armed Forces Medical College से पढ़ाई करके निकले थे, we had to choose a service. Actually, all of us are from Army. It's called Army Medical Corps. Okay, AMC, not AFMC, it is AMC. इसमें से कोई लोग mainly Army में जाते हैं, कोई Air Force में seconded. We are still Army officers, but we wear the Air Force uniform and our pay and all comes from the Air Force, similarly to Navy. We are called seconded to Air Force and Navy. Now, if you look at it, वो एज जो है 21-22 का, एयरफोर्स इज वेरी इम्प्रेसिव, जहाँ जैसे उठती है ऐसे ऐसे करती है, वो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट मजा नहीं आता, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट एज, बट अच्छा लगता है। और नेवी तो पानी के अंदर घुसा हुआ दिखता ही नहीं है, तो एयरफोर्स बहुत अच्छा लगा, मतलब ठीक है एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन तो किया, जगह भी मिल गया, जो टॉप में होते हैं उनको एयरफोर्स नेवी मिल जाता है, मिल भी गया, वेरी गुड। अब थोड़ा और पूंछ निकला मेरा, मैं तो अरे क्यों नहीं हम पायलट बने। अभी अवनी चतुर्वेदी बिकेम द फर्स्ट फाइटर पायलट। उन दिनों में एक डॉक्टर पायलट होता था, अच्छा, मैंने जो भी डॉक्टर है परमानेंट कमीशन, वो पायलट बन सकता था। तो हमने बोला हम भी बनेंगे, अच्छा, हम भी गए। तो पहले उनको समझ नहीं आया एक लेडी को लेके करे क्या, बिकॉज इट ओनली इट सेड अ PC मेडिकल ऑफिसर, इट डिडंट से मेल और अ फीमेल, बिकॉज फीमेल तो कभी होते ही नहीं थे, तो ना बोल नहीं सके क्योंकि फीमेल आर नॉट अलाउड नहीं लिखा था, ठीक है चलो, बट आई वॉज मेडिकली अनफिट, सो नेचुरली आई कुडंट गो, दैट्स ओके, इफ यू आर अनफिट यू आर अनफिट, देयर नो क्वेश्चंस ऑन दैट, बट दे वर वेरी नाइस। उसी के वजह से मेरे स्पेशलिटी मैंने एविएशन मेडिसिन लिया, ताकि मैं पायलटों के साथ रह सकती हूँ, उनका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, और कई एयरक्राफ्ट में मैं उड़ी भी हूँ उनके साथ में, जहाँ जहाँ जिस स्क्वाड्रन में मैं पोस्टेड थी उनके साथ, उनके तकलीफों को समझने के लिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब क्या आप जवाब दे सकते। अच्छा डॉक्टर पद्मा, आपने 1971 का वॉर भी देखा है, क्या कुछ त्रासदी उस समय की थी, उसके क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे, कहाँ पर आप उस समय पोस्टेड थी? मैं पंजाब के एक बॉर्डर एरिया में थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, समवेयर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 71 का, तो इट बिकेम अ नॉन फैमिली स्टेशन और हम लोग बंकर में रहने लग गए। जॉन फैमिली में, तब मेरा बच्चा 6-7 महीने का था, बड़ा बेटा, एवरीबडी इज आउट, नो बडी वॉज देयर, आई वॉज ओनली फीमेल देयर, लेडी, ऑल आर मेन, ओके ना। सो ईच वन एज पर दैट जॉब, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं और मेरे पैरामेडिकल स्टाफ वील स्टे टुगेदर इन अ बंकर, ठीक है ना। सिमिलरली माई हस्बैंड वॉज इन द अदर साइड टेक्निकल एरिया, लाइक दैट, हम देखते भी नहीं थे, अपने अपने बंकर में काम के लिए, हम लोग एक साल से हम लगे हुए हैं। तो एक्चुअल लड़ाई तो 71 दिसंबर में हुआ था। तो पहला दिन वॉज रियल फन, जब वो अटैक हुई थी, तो होल वेस्टर्न एयरफील्ड राइट फ्रॉम अमृतसर
अलवरा आदमपुर एवरीथिंग अप टू आगरा इट वॉज बॉम्ब्ड. ओके पहले हम लोग बाहर ही खड़े थे, जब देखा एक्चुअली वन ऑफ माई सीनियर एयर वॉरियर सेड मैडम मैडम अंदर आ जाओ, कि हम तो पहली बार वॉर देख रहे हैं, हमें मालूम नहीं था. तो अंदर गए, उसके उसी नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट अबाउट 250 कैजुअल्टी आए थे. आई मीन किसी का पैर गया, किसी का बहुत छोटा है, किसी का हड्डी टूट गया एंड ऑल दैट. आई वॉज जस्ट पास्ड आउट MBBS, आई मीन आई डिडंट नो मच, आई वॉज नॉट अ स्पेशलिस्ट, बट जो इंटर्नशिप कराया था उन दिनों में इट वॉज फैंटास्टिक. सो आई मीन यू वोंट बिलीव, विथ हार्डली एनी नॉलेज ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हम उनको ट्रीट किया. किसी किसी का एम्पिटेशन भी किया था करके, क्योंकि जिंदगी बचाना है, छोड़ेगा तो इन्फेक्शन चढ़ेगा और वो मर जाएंगे वो फौजी जो भी हैं. तो इसके लिए हमें सब कुछ करके देन वी हैव टू सेंड इट टू बेस हॉस्पिटल दिल्ली, यहाँ आना था. दैट्स अ वे इट वॉज. फर्स्ट फ्यू डेज वी हैड लॉट ऑफ कैजुअल्टीज, उसके बाद हार्डली एनी, बट पहले चार दिन काफी. जी तो डॉक्टर पद्मा, उसके बाद आपने कारगिल के दौरान जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी आपने, कारगिल में मैंने एक्चुअली अपने हाथ से डॉक्टरी का काम नहीं किया. बाय द टाइम आई बिकम अ सीनियर ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन बन गया, मैंने कर्नल बन गई थी. उनको क्या चाहिए, हर एक स्टेशन में जाके उनको दवाई चाहिए, मैन पावर चाहिए, उनका सेटअप कैसा है, ऑल दिस प्रोविजनिंग एंड इम्प्रूविंग बेटर पीपल टू बी पोस्टेड, ऐसा काम किया. Actually, I have not done it. But main role, Kargil ka army ka tha. The way they climbed up all those steep hills, hum soch bhi nahi sakte. Ya hum baith ke socho ko bhi to dar lagega. It was steep hills, that 0.5320 and all that. It's very, very difficult. They did it and they captured it back. It's great, absolutely great. Of course, we did. Our main job was the army. Jawans did a fantastic job. Army, Air Force also supported. My job was to give all the backing up. जी डॉक्टर, जैसे कि आपने खासतौर पर जो नवजात शिशु उस समय थे उनको खासतौर पर बचाने के लिए भी आपके जो काम है उसको याद किया जाता है, क्या कुछ वो काम था और आज जब आप पीछे मुड़ कर देखती हैं तो कैसी यादें हैं वो? एक कहानी है, छोटी सी कहानी है. हमारे हॉस्पिटल में एक सिविलियन था, उसको बहुत साल से बच्चा नहीं हुआ एंड ऑल दैट स्टफ. फिर एक शी बिकेम प्रेग्नेंट, तो उसके साथ में वो उसको मलेरिया हो गया 6 महीने के 7 महीने के प्रेगनेंसी में. अब बच्चा हो गया प्रीमैच्योर, हम क्या करें, हम बड़ा हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ. वो बोले नहीं नहीं नहीं, विंटर मंथ्स था, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा बस की बात नहीं है. हार्डली 0.75 kg कैसा जिएगा वो भी उस ठंड में. मैंने तो जो भी है, मैंने माँ बाप को बुलाया, भाई हम कोशिश करते हैं, हम स्पेशलिस्ट नहीं है पर हम कोशिश करेंगे, तुम भगवान का नाम लो. अच्छा। हो गया तो भगवान करेगा, तो सब कुछ जी सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. एक छोटा सा रूम में. अच्छा। तब तो NICU वगैरह तो नहीं था, वो छोटा सा हॉस्पिटल था, वो झूला होता ना बच्चों का झूला, उसमें पैडिंग करके हीटर लगा के, हीटर भी लाइट चली जाती थी, इंक्यूबेटर की तरह. इंक्यूबेटर हमने ही बनाया एंड स्ट्रिक्ट this thing, you know, sanitation is very important. Ek nursing officer all the time there, 8 hours, nobody to enter that room, nobody, not even the father, only the mother. मदर दूध पिलाएगी, जो भी जाएगा स्नान करके कपड़ा बदल के जाएगा, जैसे ऊटी के अंदर जाते और आएगा, ऐसे करके वो बच्चा बच्चा. क्या बात है. और डॉक्टर पद्मा से आज हम बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. डॉक्टर पद्मा के नाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पहली बार किसी महिला ने अचीव की हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए तेजस्विनी. हेलो कौन? नमस्कार मैडम. जी हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट. सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे. दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना. घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है. इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें. दस्त के लिए तैयार रहना. घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो. स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी. और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से. आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं
आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। तेजस्वी का फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देश की पहली महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा मौजूद हैं, और वो देश की ही पहली एयर मार्शल नहीं है बल्कि अगर दुनिया की एयरफोर्स की बात की जाए तो उसमें भी पहली एयर मार्शल हैं। क्या बात है, आपके नाम पे कई फर्स्ट दर्ज हैं। कैसे लगता है आपको, इतने सारे फर्स्ट टाइम्स? आपने कुछ कुछ काम किए। मैंने अपने काम किया, बट हमारे साथ में हमारे पिताजी ऑल द टाइम थे। शादी के बाद मेरे हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, विदाउट देयर सपोर्ट आई वुड हैव नेवर रीच्ड एनीवेयर। एंड ऑफ कोर्स आई मस्ट थैंक माय एयरफोर्स एंड द कलीग्स हु वर्क्ड विद मी, हु आल्सो डिड देयर बेस्ट टू नॉट टू स्टॉप, नॉट टू बिकम अ बाधा टू मी। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। मे बी आई वाज एट द करेक्ट टाइम एट द करेक्ट प्लेस, दैट आल्सो कुड हैव हेल्प्ड। इट्स ऑल गॉड्स ब्लेसिंग। तो आप अपने मुख से बताइए कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो पहली बार आपके नाम पे दर्ज हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, एनीवे फौज में लें तो फर्स्ट एविएशन स्पेशलिस्ट मैं ही हूँ पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। देन आई वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर, ऑफिसर इन यूनिफॉर्म टू डू डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बिकम अ एयर मार्शल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ओके, देन पहली महिला विंग कमांडर। Naturally, it will be in the line. No, not wing commander. Wing commander तो कई लोग होंगे, उसके बाद selection हो जाती है, तो वहाँ से शुरू होगा। Maybe air commodo, maybe the first, maybe air commodo, air vice marshal, that may, yes, air vice marshal and air marshal definitely. तो जब आप पहली ऐसी महिला बन गई, उस वक्त लोगों का क्या कुछ reaction रहता था? लोग बहुत respect दिया, seriously. And somewhere perplexed also. मैं दो इंसिडेंट्स बताती हूँ। एक बात, जब मैं पहली एयर कमोडो बनी थी, यहीं थी, एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है सुब्रतो पार्क में, न्यू दिल्ली में। तो अपना गाड़ी चला के, फ्लैग उड़ा के, स्टार लगा के मैं गई। टू मी इट डिडंट मैटर, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। ऑल लेडीज वर पासिंग बाय, वो लोग स्टॉप के और ताली बजाए, क्लैप क्लैप क्लैप, इट वॉज जस्ट ऑन इट्स ओन, यू नो। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब क्या हुआ, क्यों क्लैप कर रहे हो? वो बोला अभी तक हम वाइफ को देखा है इस साइड बैठे हुए, यहाँ ऑफिसर के साइड में बैठे हुए, एक तुम गाड़ी भी चला रही हो, फ्लैग भी उड़ा रही हो, इट्स हमें बहुत अच्छा फक्र लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, फक्र लगा, दैट्स अ करेक्ट वर्ड, यू नो। तो हम तभी मुझे समझ आया, ओह दे आर फीलिंग वेरी प्राउड, अच्छा इट्स समथिंग न्यू, यू नो। मुझे भी नहीं पता लगा, हम तो रोज ही देखते रहते तो पता नहीं लगता। लेडीज अप्रिशिएटेड सो मच, दे फेल्ट सो हैप्पी एंड प्राउड। अदर साइड ऑफ द स्टोरी वॉज, आई वॉज समवेयर विजिटिंग, इंस्पेक्टिंग सम अदर यूनिट। Naturally, I had gone in the car, three stars and all that, you know. तो वो जो पुलिस कपल था, वो देखा नहीं होगा नेचुरली, हम तो पहले वाले तो कैसे देखेगा। मैं तो चली गई, वो दौड़ दौड़ के आया गाड़ी के पीछे। अच्छा, रुकी रुकी, मैं तो हुआ क्या है, आई वॉज नॉट इन यूनिफॉर्म, आई वॉज इन अ सिविल साड़ी। अच्छा, तो ही सेज आप कौन हैं, आप क्यों फ्लैग उड़ा रहे हैं? अच्छा, मैंने बोला मैं एयर मार्शल हूँ। हो ही नहीं सकता, लेडीज नहीं होते। मैंने कहा अच्छा ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं ठीक बात है, क्योंकि आपका काम है चेक करना, पर ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, देख लीजिए मैं ही हूँ। फिर उसका मुंह उतर गया, सैल्यूट भी मारा, बोला सॉरी। मैंने कहा नहीं, आपकी गलती नहीं है, आप तो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं, तो जरूरी है, एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा। बहुत बार, कई बार पूछे हैं आप कौन हो, आप कौन हो, ये भी बहुत बार सुना। बट इन टोटैलिटी everybody lot of respect and lot of love and affection, that is very important. Dr. Padma, aap uttari dhruv par bhi aap gayi hain aur aapne wahan par jaakar research work bhi kiya hai, uske bare mein hame bataye. See, aisa tha, tab main DRDO mein posted thi. Acha, ye kyun hum uttari dhruv mein gaye, yahan bhi kar sakte the. Idea was extreme cold mein, the temperature is around -45. Acha, to hamare log, हम लोग ट्रॉपिकल है, हमें सूरज नहीं देखने से दिमाग का पाला चढ़ता है, वी आर यूज्ड टू सूर्य का रोशनी। दो दिन बारिश हुआ तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। तो
हम लोग जब जाएंगे वहाँ, हम क्यों जाएंगे, यूएन फोर्स में जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं वर्ल्ड में, कहीं भी साइबेरियन पोस्टिंग हो सकती है, तब आपका क्या होगा, आपको क्या चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कपड़ा चाहिए, और आपका दिमाग कैसे काम करेगा, यही सब हमें चेक करना, करोगे कि नहीं, ये भी चेक करना, विल बी एबल टू अक्लमेटाइज, ये भी चेक करना था. इसी वजह से हम वहाँ गए थे उत्तरी ध्रुव में. बट वाई नॉट इन सियाचिन, वी कुड हैव गॉन टू सियाचिन ऑल्सो. प्रॉब्लम ये है वहाँ नॉट ओनली टेम्परेचर, वहाँ ऑल्टीट्यूड भी है, हाइपोक्सिया है. हम हाइपोक्सिया नहीं चाहते थे, सिर्फ टेम्परेचर, दैट इज कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड. सो एवरीवेयर इज नॉट लाइक सियाचिन. सो वी वेंट टू उत्तरी ध्रुव फॉर दैट रीजन. हम अपना 10 सोल्जर लेके गए थे, उनका सारा पैरामीटर्स नोट किए, बेसिक पैरामीटर्स, और ये रिजल्ट निकला, इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स हम अक्लेमेटाइज हो जाएंगे. उनके लिए स्पेशल फूड चाहिए, कपड़ा चाहिए, 4 लेयर्ड कपड़ा चाहिए, एंड जूता भी स्पेशल, नॉट जो हम लोग पहनते हैं वो नहीं चलेगा वहाँ. बट दे कैन गेट अक्लेमेटाइज एब्सोल्युटली नॉर्मल, एज मच एज अ साइबेरियन सोल्जर इन रशिया, एज और इवन बेटर. बट द ओनली थिंग इज व्हेन वी कम बैक टू इंडिया विद इन 10 डेज इट बिकम जीरो. You come back to our level. It is not something which you are born with. We learn it. जी, आपने हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर भी तो काम किया है. या हाई एल्टीट्यूड में हमने 3-4 रकम के काम किया. एक तो उनका अक्लमेटाइजेशन, अभी भी हो रहा है ये काम, अभी भी हमें ये नहीं पता ये जो फोर्स चल के जाते हैं वाई अक्लमेटाइजेशन. प्रॉब्लम ये है जब हम अबाउट 15,000 के ऊपर जाएंगे हमें हाई ऑल्टीट्यूड का बीमारियाँ आ सकते हैं. नॉट ओनली आ सकते हैं, दे कैन इवन किल यू स्ट्रेट अवे. दैट्स व्हाट हैपेंड इन 1962. हम लोगों को मालूम नहीं था ये बात. वी नीड स्पेशल क्लोदिंग, स्पेशल टाइम टू अक्लमेटाइज. एट एवरी पॉइंट ऑफ हाइट वी हैव टू स्टॉप, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड देन गो. सो दिस शेड्यूल वी मेड इन अवर वेन आई वर्क इन द हाई ऑल्टीट्यूड. Now, but supposing I go by aircraft, now I take my soldiers, I drop them there at 22,000 feet, will it be same? It will not be same, because उनका जो है उनका acclimatization नहीं हुआ, उनको बीमारियाँ आ सकते हैं. आज भी हम इस problem को sort out नहीं कर रहे, कर रहे हैं क्या उनको करना है, किस height पर उनको करना है. Normally we acclimatize around Leh में अराउंड 10-11,000 से हम अक्लिमेटाइजेशन शुरू करते हैं. फुट सोल्जर्स का प्रॉब्लम नहीं होता, जो एयरप्लेन में सीधा जाते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है. वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट. दिस वॉज वन मेन थिंग, अक्लिमेटाइजेशन शेड्यूल. सेकेंड, इन आवर एयरफोर्स सेटअप वेन वी गो टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड, वी आर नॉट ओनली कोल्ड, वी मे गेट हाइपोक्सिया. उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए स्पेशल क्लोदिंग एंड ऑक्सीजन, ये सब भी हमने किया था. सो दिस आर ऑल द जॉब्स मेनली फॉर फौज. जी, अच्छा, हम जानते हैं कि अब महिलाएं जो हैं वो फौज में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, और हाल ही में हमने ये भी सुना है कि कॉम्बेटिव रोल्स में भी महिलाओं को अब शामिल किया जाएगा एक जवान की हैसियत से. और एयरफोर्स में तो हम जानते हैं कि 3 फाइटर पायलट्स को इंडक्ट किया गया है. जब ये आप देखती हैं तो मन में कैसा लगता है? बहुत खुशी. जिस दिन से मैं फौज में ज्वाइन किया मैं इसी के लिए तो लड़ती रही, कि इसलिए नहीं कि वो महिला है, इसलिए भी नहीं कि मेन कैनॉट डू, बोथ कैन डू इट इक्वली. जस्ट बिकॉज वो महिला है ये नहीं कि वो बहुत अच्छी करेगी, या कि जस्ट बिकॉज वो महिला है वो खराब करेगी, वो बात नहीं है. हर एक का अपना अपना काम जब देंगे वो करेंगे. जब तक आदमी और औरत दोनों मिलके नहीं काम करेंगे किसी भी फील्ड में, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा. 50% का हम नहीं बोलते जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न अ फीमेल, इट्स नॉट करेक्ट. सो इफ दे आर फिट, इफ दे अंडरगो ऑल द ट्रेनिंग प्रॉपरली, वाई शुड दे स्टॉप? डॉक्टर्स आर देयर, वी डू ऑल द थिंग्स. हमें तो कोई नहीं बोला कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, पर वाई नॉट अ पायलट? But not that every lady has to become a pilot. I'm not saying that. If she goes through the training and if she does well, she should become a pilot. Why should you stop just because you're a lady? That's my only question. If they are found fit as equally as men, then they should be fit. That is all. And I'm very happy. In every field they are there. Avani is the first lady to become a fighter pilot. It's very nice. Many will come. पहला इज द प्रॉब्लम, वंस द ग्लास सीलिंग इज ब्रोकन मेनी मोर विल कम. धीरे धीरे आएगा. बट सी, बेसिकली इन ऑल दीज थिंग्स इट्स अ माइंड सेट. वी हैव टू चेंज अवर माइंड सेट, यू नो. वंस यू एक्सेप्ट दे आर इक्वल, देन नो प्रॉब्लम. जी, डॉक्टर पद्मा, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं और ख़ासतौर से अपने मेमोयर्स को आपने पुस्तक में डाला है. कौन सा ऐसा किस्सा है या कौन सा ऐसा अनुभव है जो आप संक्षेप में हमसे शेयर करना चाहेंगी?
नंबर वन मेरे पिताजी जो मुझे यहाँ तक मैं कॉलेज तक बनाया. नंबर टू इज़ माई हस्बैंड. ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई वॉन्ट टू से हाउ मैन वीमेन आर ऑल इक्वल, वन हैज़ टू सपोर्ट द अदर, दैट इज़ हाउ द लाइफ हैज़ टू गो. I mean, I did A, B, C, D, everybody talks. But could I have done if he has said no? Bilkul. Or if there was a fight at home? Sahi baat. It is not possible. Mm. So who was the one who supported me? My husband. Mm-hmm. In every field, my studies. मैं छोटा बच्चा तभी हुआ था जब मैं परीक्षा लिखी थी मेरा MD एविएशन का. मेरा बच्चा 15 मार्च को हुआ, 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आ गया. मैं अस्पताल में बैठ के परीक्षा लिख रही थी. एंड माय हस्बैंड वाज लुकिंग आफ्टर व्हेन आई वेंट फॉर द परीक्षा. दैट इज व्हाट मैटर्स, यू नो हाउ मच सैक्रिफाइस ईच वन. आई ऑल्सो डिड, ही ऑल्सो डिड. बट लुकिंग बैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ मेल टू सपोर्ट इज समथिंग phenomenal. और आपको एक साथ मेडल भी मिला. हाँ, वो भी दुनिया का शायद अकेला है. वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई फॉरगॉट टू टेल यू. या आफ्टर द 71 वॉर, मी एंड माय हस्बैंड, दैट इज देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट एसएन बंदोपाध्याय एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिसेस पद्मा बंदोपाध्याय रिसीव्ड द विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द सेम डे एट द सेम इन्वेस्टिचर पीरियड. इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. दैट इज समथिंग, आई मीन nobody has done it so far on the same day same time. People might have got it but differently, you know, ek aage ek piche karke. Similarly my staff college here, I want to bring out, I don't know whether I'm correct or not, but this is my feeling. My husband also passed the exam but uska branch alag hai, select nahi hua. To hum gaye, humne bola nahi jayega, bola nahi nahi nahi, you will be the first one, go and do it. So he was alone. But what was the problem? Problem was not with us but our communities, you know. देखो आदमी ने नहीं किया, औरत कर रही है. सही बात. One day he said, you shut up. जो if at all I have to worry, it is me. I am not worried. I am very proud of my wife. Why are you bothered about it? Just shut up. You know, this is what happened. दूसरे लोग पुस करते रहते तो एटम बम फट जाती है. अच्छा डॉक्टर पद्मा, चलते चलते ये बताइए कि क्या कुछ आपकी हॉबीज हैं. मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं. नहीं, अच्छा नहीं, पर हमारे जो साउथ इंडियन कल्चर में सभी बच्चे पहले था थाई तथा थाई करते हैं. तीन चार के बाद उसके बाद हम गाना सीखते हैं, उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई करते हैं. तो कोई दो पंक्तियां हो जाए. कुछ पाकर कोना है जीवन का मतलब तो आना रे जाना है. दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मार्शल पद्मा, और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपने इस जज्बे को जारी रखेंगी और बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा देती रहेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमसे बात करने के लिए. धन्यवाद आपका. धन्यवाद, नमस्कार. तो ये थी पहली भारत की महिला एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा, जिन्होंने दिखाया और जिनका पूरा जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है. अगले हफ्ते हम मिलेंगे तेजस्विनी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.